आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 22 जनवरी की शुभवार की। कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से मैं हर प्रकार की सेवा करता हूं? हर प्रकार की सेवा में तन मन धन तो आता है, लेकिन मन में अगर आपके पास में और आपके पास में कुछ क्वालिटीज है तो आप उन क्वालिटीज को इस्तेमाल कर सकते हो और कई लोगों के जीवन को सहज बना सकते हो और उनसे धुमाई कमा सकते हो। सिंपल सी चीज है ये। सिर्फ आपसे साथ मेरी बातचीत जो हो रही है वो होगी मुख की सेवा, पर इसमें डिजाइनिंग भी आती है, इसमें प्रमोशन भी आता है, इसमें बुद्धि का काम भी लग जाता है। इसी तरीके से अगर कोई कुकिंग में अच्छा है तो कुकिंग की सेवा कर सकता है, साफ सफाई में अच्छा है तो साफ सफाई की सेवा कर सकता है, और अगर मैनेजमेंट में अच्छा है तो मैनेजमेंट सेवा कर सकता है, इवेंट मैनेज कर सकता है तो इवेंट मैनेजमेंट की सेवा कर सकता है, और बहुत सारे प्रकार की सेवा है, छोटे से लेकर के बड़े से बड़ी की सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा तो है आप अपने चेहरे से सेवा करें, आप खुश मिजाज रहें ताकि और लोग आपको देख करके बोले कि इनके पास में कुछ मिला है। तो इसी तरीके से परमात्मा हर प्रकार की सेवा हमें सिखाते हैं और हमें कहते हैं कि आपके अंदर सारे टैलेंट्स मैंने भरे हुए हैं, सारी क्वालिटीज मैंने भरी हुई हैं, और उन टैलेंट्स को और उन क्वालिटीज को आप अगर इस्तेमाल करते हो पूरी दुनिया की सेवा करने में, दुनिया को रहम की नज़र से देख करके उनकी मदद करने में, उनको दुख से सुख में लाने के लिए, तो आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। और उसके फायदे क्या होते हैं आज हम चेक करेंगे इस वरदान में। परमात्मा के अपने ही वचनों में कहते हैं उड़ती कला द्वारा। उड़ती कला मतलब क्या है? एक तो हो गए बैठ गए, फंस गए कहीं पर, अटक गए कहीं पर, और एक हो गए उड़ती कला। उड़ती कला मतलब कि कभी भी रेडी है कहीं पर भी जाकर के सेवा करने के लिए। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। कहते ना कि आपने भी सुना होगा चक्रवर्ती राजा फलाना फलाना पधार रहे हैं। चक्रवर्ती क्या है? चक्रवर्ती मतलब ये नहीं कि आपने चक्र लिया उंगली में और सबके गले काटते गए, या आपने तलवार ली और आप चारों तरफ गए और अपने युद्ध करते हुए आपने सबको मार धाड़ करके आपने उनके कब्जे कर लिए, वो चक्रवर्ती राजा की कहानी नहीं है। ये चक्रवर्ती राजा मतलब वो है कि जिसने की कई जन्मों के चक्र काटे हुए हैं और उसको कई जन्मों के अनुभव हैं, और उन अनुभवों के द्वारा वो परमात्मा के साथ में मिल करके सबकी सेवा में लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं और आत्मा को भी परमात्मा से जुड़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेवाओं के द्वारा, उसको कहते हैं चक्रवर्ती। परमात्मा कहते हैं जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, यहाँ पे बाप हो गए परमपिता परमात्मा नहीं, यहाँ बाप हो गए परमात्मा के पहले बच्चे एडम, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो हमारे बाबा भी हैं, पिता भी हैं, एडम इज अ फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, और साथ साथ हमारे बड़े भाई भी हो गए, और फ्रेंड भी कह सकते हैं आप उनको, एल्डेस्ट ब्रदर। तो परमात्मा कहते हैं जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते, ब्रह्मा बाबा बाप बाबा भी बन सकते हैं और आपके सखा आपके फ्रेंड भी बन सकते हैं, आप उनसे अपने दिल की बातें भी कह सकते हैं। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे, कंप्लीट पार्ट, डिफरेंट टाइप के। एक आत्मा अनेकानेक रोल कर सकती है, एक आत्मा माँ का, बहन का, बेटी का, पिता का, बच्चे का, और दादा का, दादी का, नाना नानी, हर प्रकार की सेवा आत्मा कर सकती है। अगर इतने सारे पार्ट निभा सकती है तो उसके अंदर मतलब बहुत सारी क्वालिटीज हैं। उसी तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में भी बहुत सारे पार्ट निभा सकते हैं, ये ना समझे कि हम बस इसी चीज से लिमिटेड हैं बस। तो परमात्मा कहते हैं इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी, कि जहां बुला लो जिस प्रकार की सेवा करा लो वो कर लेगा इंसान। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। उनको ये नहीं होगा, बहाने नहीं देंगे कि मेरे फैमिली में आज ये प्रॉब्लम हो रही है, आज उधर जाना है, आज शादी ब्याह है, आज ये है वो है, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। उनको पता है उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनको पता है कि मेरा कहां पर होना जरूरी है। जो भी चीज है, परमात्मा कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड आपकी फैमिली है। अगर हम एक सिर्फ एक छोटी सी फैमिली के लिए अगर हम पूरा जीवन निकाल देंगे तो सारी दुनिया की सेवा कैसे करेंगे? दुनिया की आत्माओं से दुआएं कमाना भी जरूरी है, तो सारी जिंदगी एक फैमिली के साथ में तो रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अगर हम फैमिली समझें तो उनके लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। तो वो भावना कब जागृत होगी वो अपने ऊपर है, इसलिए परमात्मा कहते हैं वो वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे, चाहे बोलने की हो, खाना पकाने की हो, सफाई करने की हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, वो हर प्रकार की सेवा में पहुंच जाएंगे। किसी को दुख आया हुआ है तो की फीलिंग है, उसके घर में जाकर उसको सहानुभूति देना, किसी को काउंसिल करना, किसी के पास पहुंच जाना, हर प्रकार की मल्टीटास्किंग करेंगे वो, मल्टीटास्किंग सेवा।
उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती। वो हर जगह चक्र लगाते हैं और हर किसी की सेवा करते हुए आते हैं। ऑलराउंड पाठधारी, हर प्रकार का पाठ बजाने वाले। यानी कि भैया मेरे को किचन का काम आता, मैं सब किचन में ही फंस गया। यानी मुझे सिर्फ बोलना आता, मैं बोलने में ही चला के फंस गया। इस प्रकार की उनकी दुविधा नहीं होगी, वो उस दुविधा में नहीं होंगे, वो लिमिटेशन में नहीं होंगे, वो हद में नहीं होंगे, वो बेहद में होंगे। तो ये कैसे हो सकता है, ये आपके अंदर वो क्वालिटीज है कि नहीं है, और उन क्वालिटीज को आप कैसे अपने अंदर से निकाल सकते हैं, सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में। तो जैसे जैसे मन साफ होगा, बुद्धि साफ होगी, आत्मा के सामने से धूल हटती जाएगी, आत्मा को पता चलेगा कि वो कितने कितने डिफरेंट रोल्स निभा सकती है आत्मा। मेडिटेशन से पता चलता है और सेवा करने से पता चलता है सब कुछ। आप भी आकर के सीखें ब्रह्म कुमारी में। ओम शांति।